नमस्ते, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी नेशनल न्यूज़ इंडिया। आज चौथे चरण के मतदान थे और चौथे चरण के मतदान में तमाम ऐसी खबरें आई हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें पहली खबर ऐसी है जो ईवीएम को लेकर के है। ईवीएम में भारी गड़बड़ी के ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कहाँ कहाँ से ये मामले सामने आए हैं, आइए आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले जो जहाँ से मामले आए हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के। ऐसे कई सारे बूथ हैं जहाँ ईवीएम में खराबी के कारण मतदान शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके कारण वोट डालने पहुँचे मतदाता हंगामा कर रहे हैं और सपा सरकार ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। और कहाँ से हुई है ये? झारखंड के पलामू सीट के कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत आई है। चैनपुर के बूथ नंबर 132 पर ईवीएम का बटन काम नहीं कर रहा था। वहीं डाल्टनगंज के बूथ नंबर 181 और हैदरनगर के बूथ नंबर 101 पर ईवीएम खराब है। बिहार के समस्तीपुर सीट के केवस निजामत बूथ नंबर 223 और 221 पर भी ईवीएम खराब होने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा समस्तीपुर के धुरलग में बूथ संख्या 88 पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान बाधित हैं। मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें लगी हैं और मतदाता हंगामा कर रहे हैं। समस्तीपुर के भागीरथपुर पंचायत में 7,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। 2 सालों से जूट मिल बंद होने के कारण भी मजदूर जो हैं वो मतदान यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी ईवीएम खराब होने की शिकायतें हैं। कन्नौज के मिरगामा में बूथ नंबर 86 और 87 और 88, इन तीनों बूथ नंबरों पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। सपा का आरोप है कि कन्नौज लोकसभा की छिबरामऊ विधानसभा में बूथ संख्या 189 में 3 बार ईवीएम बदलने के बाद भी अभी तक मतदान बाधित है। इसके अलावा झांसी के भट्टा गाँव में मतदान स्थल 415 में अब तक मतदान प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और ये सारे जो ऐसी जो घटनाएं हुई हैं ये ईवीएम को लेकर के हो रखी हैं कि ईवीएम, क्योंकि ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ियां थी और इसी वजह से ऐसे केसेस जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। और देखिए और बताते हैं क्या हुआ। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है और इस पर उन्नाव सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं साक्षी माजाज। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए ये ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्नाव सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी अरुण टंडन ने कहा कि शुरुआत में ईवीएम में गड़बड़ी की खबर आ रही थी, बाद में हमने डीएम और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से बात की तो कुछ ईवीएम ठीक हो गई और कुछ ईवीएम अभी भी खराब हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए दी नेशनल न्यूज़ इंडिया के साथ।